हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट है क्या। डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब ये होता है कि डीएनए के सीक्वेंस की आइडेंटिफाई करना। इस वर्ड में जितने भी पर्सन पाए जाते हैं सबका डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसी को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, वो सेम नहीं होता। इट इज़ ए वे टू आइडेंटिफाई द सर्टेन इंडिविजुअल रैदर देन सिंपली आइडेंटिफाई ए स्पेसीज आर ए पार्टिकुलर ट्रेट्स। इसके थ्रू हम पार्टिकुलर ट्रेट के बारे में भी जान सकते हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो में जो बताए थे कि हम जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके थ्रू हम ये जानते हैं कि ह्यूमन के जीन का क्या कंडीशंस है, तो उसी की स्टडी इसमें हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट में। टेक्निक यूज बाई साइंटिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज यूजिंग ओनली ए सैंपल ऑफ देयर डीएनए। केवल डीएनए के सैंपल लेकर के हम उसकी स्टडी करते हैं। इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था एलेक जेफरी ने 1985 में। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट वाज इन्वेंटेड बाय एलेक जेफरी इन 1985। अब सैंपल यूज करते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, चूँकि डीएनए हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंस होता है। ब्लड ले सकते हैं, हेयर, सलाइबा, सीमेन, बॉडी टिश्यू सेल। डीएनए सैंपल्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द वेजाइनल सेल से भी ले सकते हैं। मतलब बॉडी का कोई भी फ्लूड है अगर है तो उसका सैंपल के रूप में हम ले सकते हैं, डीएनए की स्टडी कर सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं? 8 स्टेप है। सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट करना। जो भी सैंपल लेते हैं उस सैंपल से हम डीएनए को क्या करते हैं, सबसे पहले आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद से कम अमाउंट में है तो उसका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा करके उसको लार्जर अमाउंट में बनाते हैं। डीएनए मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल आर टिश्यू, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, हेयर और स्किन। ठीक। दूसरा है कि डाइजेशन ऑफ डीएनए रिस्ट्रक्चर इंडो न्यूक्लियस से उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए कि उसके साथ और भी कई चीज़ें रहती है। डीएनए के साथ प्रोटीन भी है, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट करते हैं रिस्ट्रक्चर इंडो न्यूक्लियस एंजाइम से, जैसे इसे यहाँ पर दिया है। फिर सेक्शन ऑफ डीएनए दैट आर कट उसको कहते हैं रिस्ट्रक्चर फ्रेगमेंट। शॉर्ट फ्रेगमेंट भी होते हैं, लॉन्ग फ्रेगमेंट भी होते हैं, सबको अपने सेगमेंट के बेस पर इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है। फिर स्टेप थ्री में इलेक्ट्रोपोरेटिक सेपरेशन करते हैं, इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जिसमें डीएनए के सेगमेंट को लेंथवाइज सेपरेट किया जाता है। यह एक इसका प्रोसेस होता है, इसमें एनोड और कैथोड होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज होती है, ग्रोज की जेल होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी उस पर पास करते हैं तो चूँकि डीएनए स्टूडेंट को पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और उसके साथ जो प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हैं तो दोनों क्या जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मेन एम यही है कि कैसे हम सेल से जो डीएनए उसको सेपरेट करना है और डीएनए को क्लियरली अलग कर लेना, ये प्योरली अलग कर लेना। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू वेल्स एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू जेल। डीएनए नेगेटिवली चार्ज अभी जस्ट बताए हैं, इज टू अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द जेल। द शॉर्टर डीएनए फ्रेगमेंट मूव फास्टर देन द लॉन्गर फ्रेगमेंट। डीएनए इज सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ साइज। फिर स्टेप फोर में है कि ट्रांसफर ऑफ नायलॉन जेल में, फिर उसको सेट करते हैं। जब सेगमेंट अलग कर लेते हैं तो फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, नायलॉन की जेल होती है या नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन होती है उस पर। तो डीएनए फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर टू ए नायलॉन शीट बाय द प्लेसिंग टू शीट ऑन द जेल एंड सोकिंग देम अप ओवरनाइट। द प्रोसेस ऑफ साउदर्न, इसको कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। स्टेप फाइव में क्या है, डीएनए प्रूफ बनाते हैं जो सेगमेंट के ही अकॉर्डिंग रहते हैं, जो पहले जो सेगमेंट हम लिए रहते हैं डीएनए का, इसको कहते हैं प्रूबिंग। ठीक है। इसमें एडिंग द रेडिएटिव आर कलर्ड प्रोब्स यूज करते हैं, इसमें एथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, टू द नायलॉन शीट विच इज कम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस। ईच प्रोब्स ओनली स्टिक्स टू वन आर टू स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन द शीट। उसके बाद से आता है प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, जो प्रोब होता है जो डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है, अलग से बनाया जाता है उसको, ताकि उसको लेंथवाइज हम उसको क्या कर सकें, सेट कर सकें, अटैच कर सकें। तो लेबल्ड प्रोब डीएनए शुड बी हाइब्रिडाइज विद द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लोकेटेड ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन फॉर डिटेक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ लेटर। मेम्ब्रेन इज वॉश टू रिमूव नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एंड क्लियरिंग टू द बैकग्राउंड। ठीक है। फिर उसकी ऑटो रेडियोग्राफी कर लेते हैं। 7 स्टेप है। ऑलरेडी प्रदीप की बुक में हम स्टूडेंट जब देखेंगे
तो पूरा एक स्टेप उसी तरह से दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग नोट बनाएंगे, ठीक है। एक स्टेप वाइज नोट बनाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। फिर लास्ट सेवन स्टेप है कि इसमें ऑटो, एक तरह से लास्ट स्टेप भी कह सकते हैं इसको, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं टू डिटेक्ट द सिक्वेंस इन द जीनोम बाउंड टू द हाइब्रिडाइज्ड रेडियो एक्टिव प्रोब्स ऑन मेम्ब्रेन। टेक्निक इन्वॉल्व अलाइनमेंट ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन विद द एक्सरे फिल्म एंड द एक्सरे फिल्म अल्टर इट्स डेवलपमेंट सो मल्टीपल नंबर ऑफ बैंड्स दैट लुक्स लाइक बार कोड एंड नोन एज द DNA फिंगर प्रिंट। और वह जो है हमें ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो एक से एक एक्सरे फिल्म बनती है और उस पर हमें एक बार कोड के जैसे DNA का सेगमेंट दिखाई देता है, ठीक है। स्टेप एट में क्या करते हैं कि इंटरप्शन ऑफ बैंड पैटर्न, एनालिसिस ऑफ बैंड पैटर्न ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल, और फिर उसका कंपेरिजन कर लेते हैं दो इंडिविजुअल्स का, देख लेते हैं किस तरह से है, ठीक है। दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं, हमें जो बैंड्स मिलते हैं उस पर, इसके पहले वाले स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमें बैंड मिलते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यही जो है मैच करा लेते हैं, एक पर्सन का जिसे यह सीक्वेंस जो आया हुआ है वो दूसरे से मैच नहीं करेगा, इसी की मैचिंग करा देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि यह दूसरे का DNA है और एक अनदर पर्सन का DNA है। यूज क्या है DNA फिंगरप्रिंट का, डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, कई तरह के ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि DNA के सीक्वेंस में कि DNA कहीं कुछ अल्टर्ड तो नहीं है। अगर अल्टर्ड है तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ें MTP, उसकी MTP कर लेते हैं बिफोर बर्थ, हेल्प्स डायग्नोज डिसऑर्डर इन द बोथ प्रीनेटल एंड न्यू बॉर्न बेबीज। डिसऑर्डर्स में इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, हडिंसन डिजीज, फेमिलियल अल्जाइमर डिजीज, मतलब किसी भी तरह का अगर कोई डिसऑर्डर है बॉडी के अंदर तो DNA प्रोफाइलिंग के थ्रू जो है हम ये जान सकते हैं कि वह किस प्लेस पर है, कहाँ पर है, और उसका अगर क्योरेबल है तो उसका क्योर भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका यूज जो है क्राइम के केसेस में भी हो रहा है, यूजेज ऑफ DNA इन क्राइम। फॉरेंसिक साइंस इज द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन द लीगल सिचुएशन एंड DNA प्रोफाइल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज हाईली स्पेसिफिक। द चांसेस ऑफ टू पीपल हैविंग द एग्जैक्टली द सेम DNA प्रोफाइलिंग इज, यानी कि 30,000 million टू वन, मैंने एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन को छोड़ करके एग्जैक्टली क्या होता है DNA लगभग सेम होता है। तो इसे भी पता चल जाता है कि जैसे क्राइम के केसेस में पता चल जाता है कि DNA अगर कोई पर्सन क्राइम किया हुआ है और पता नहीं चल पा रहा है लेकिन उसका बॉडी का कोई फ्लूइड अगर वहाँ पर प्रेजेंस है तो उसके DNA टेस्ट से DNA प्रोफाइलिंग करके हम उस क्रिमिनल तक पहुँच सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जेनेटिक्स के थ्रू या DNA फिंगरप्रिंटिंग क्राइम के केस से लेकर के पैटर्निटी टेस्ट में भी इसका काफ़ी यूज किया जा रहा है और ये हमारे सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। ओके।